गुरुवार को समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने पत्रकार वार्ता के सौजन्य से प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह को अनुचित ठहराते हुए कहा कि खरमास माह में कोई भी शुभ कार्य हिंदू धर्म में पूरी तरह से वर्जित है, तो फिर सामूहिक विवाह कैसे संपन्न किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम को राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक हम सभी हिंदू भाई खरमास के महीने में किसान गाय बैल नहीं खरीदता है, घर बनवाना हो नींव नहीं खोदता है, कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करता कि जो शुभ कार्य की श्रेणी में आता है। और शादी विवाह को पहले से ही गणना बैठाई जाती है कि कितने दिन से बन रहा है, गणना बैठ गई तो उसके बाद मुहूर्त निकाला जाता है, मुहूर्त में भी दिशाशूल से लेकर के और तमाम चीजें हैं, तो उन सारी चीजों के बाद जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम का जो सिस्टम है और विवाह के प्रकारों में हम गांधर्व विवाह नहीं कर रहे, हम राक्षस विवाह नहीं कर रहे, हम जो विवाह संस्कार करते हैं वो वैदिक रीति रिवाज सनातन धर्म में आता है। होता था और लड़की वर्ण करती थी, विवाह के जो 15-16 प्रकार हैं उसमें से एक बहुत ही जाते हैं, और वो ऐसे समय में जब दो युवक एक युवक एक युवती दो जीवन धर्म आस्था और विश्वास की चीज सांख्य योग कर्म योग की शिक्षा देते हुए अर्जुन से कहा था कि स्वधर्मम निगमम श्रेयर पर धर्मो भयाव।